क्या हाल चाल आपके कैसे हैं आप देखो आज एक क्वेरी जो हमेशा मेरे आ, कई बच्चों से रेज होती है और डाउट सेशन के टाइम पे मेरे पास पहुंचती है खासकर वो बच्चे जिन्होंने सी एम इंटर क्वालिफाई कर लिया है और वो अब फाइनल में आ चुके हैं एंड वो जानना चाहते हैं कि जो पेपर सेवेंटीन है कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सी फाइनल का उसका रिकॉर्डिंग मैंने जो किया वो किस तरीके से किया हुआ है कहीं सी ए फाइनल का ही कटपेस तो नहीं है कहीं सीक्वेंस में कुछ मतलब उल्टा सीधा तो नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप इसको यहां पढ़ो उसको वहां पढ़ो तो मेरे बच्चे इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है कि ये सी एम ए सी एफ आर की जो रिकॉर्डिंग है वो मेरा पैटर्न क्या है मैं किस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं जो बच्चे ऑलरेडी क्लासेज स्टडी कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं कि मेरे पढ़ने का पैटर्न क्या है बट मैं खास आपको बताना चाहता हूँ जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं देखो पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्लासेज को रिकॉर्ड करते समय मैंने एक चीज का बहुत बड़ा मतलब अच्छी तरीके से ख्याल रखा है कि आपको सिर्फ इसको स्टडी करके पास ही नहीं होना है या फिर आपको सिर्फ अच्छे मार्क्स नहीं लाने हैं आपको इनको स्टडी करने के बाद अब आपको इंडस्ट्री में जाना है जॉब करने के लिए अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है और अगर उन कंपनीज के अंदर में ऑडिटिंग या आपका प्रैक्टिस शुरू होता है जो इन डेज को फॉलो करते हैं तो वहां पे आपको एक कंपेटेबल नॉलेज होना चाहिए मतलब किसी से भी आप कंपीट कर पाए ऐसा नॉलेज होना चाहिए तो मेरे बच्चे कोर्स को डिजाइन करते समय मैंने इस बात का खास ख्याल रखा है इवन इंस्टीट्यूट ने कुछ इंडस्ट्री का उन्होंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन किया है मैंने थोड़ा सा उसको कर है, इंडस्ट्री के अंदर में। आपका इस तरीके से हो कि आप कम, मतलब किसी भी बच्चे से किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी आपका प्लेसमेंट सेल के सामने आप प्रॉपर तरीके से जवाब दे पाए बच्चों कंप्लीटली मैंने आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को फोकस किया हुआ है फोकस करने का मतलब ये नहीं कि मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को कराए हैं पता नहीं आपके इंस्टीट्यूट ने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप कवर किया है पहले सिंपल क्वेश्चन फिर थोड़ा टफ फिर थोड़ा टफ फिर थोड़ा तफ, जो मेरा बाकी पढ़ाने का तरीका है सेम वही तरीका मैंने यहां पे फॉलो किया है इससे फायदा क्या होता है आपके कौन से बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रोंग हो जाते आप किसी भी स्ट्रॉन्स को करने के लिए आप तैयार रहते हो इंस्टीट्यूट जहां तक सोच सकता है एग्जाम में क्वेश्चन डालने के लिए उन सबको मैंने कवर किया है 100% आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन है वो भी मैंने कवर किए हुए एक चीज और मैं बता दूं जो इंड एस उन्होंने डाला हुआ है उस इंड एस को समझाने के लिए भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके पास कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं क्योंकि मैं हमेशा जो तरीका फॉलो करता हूं वही तरीका यहां भी फॉलो किया है मैंने थ्योरी को भी आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बनाते हुए केस स्टडी बनाते हुए मैंने उसको सोल्व कराया फिर आपको एक शॉर्ट नोट मैंने दिया हुआ है और उसके बाद आपके बुक जो मेरा आपके पास जाएगा या गया होगा उसके अंदर में हर एक चीज का डिटेल डिस्कशन की एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एक नंबर में तो कैसे लिखना है दो नंबर में तो कैसे लिखना है चार नंबर में कैसे लिखना है उस पूरे वीडियो क्लास में मैंने इसका डिस्कशन किया हुआ है आपको यहां देखेंगे आप यहां पे सेक्शन ए सेक्शन बी सी डी और फिर आपका ई e, ये पांच सेक्शन में पूरे इंस्टीट्यूट ने आपके कोर्स को डिवाइड किया है मेरे बच्चे ध्यान देना पहले सेक्शन के अंदर में उन्होंने कहा गैप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसमें मैंने है. आपको पता होगा कि ये आपको ट्वेंटी मार्क्स का वेटेज है इसका वेटेज ट्वेंटी मार्क्स का है आपके इंस्टीट्यूट के मुताबिक तो ट्वेंटी मार्क्स कहते हैं कि सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज होना चाहिए और ए सेक्शन के अंदर में उन्होंने सारे इंडेक्स का भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन किया है और फिर कुछ इंडेक्स का उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया है जैसे कि इंडेक्स वन टू सेवन टेन टेन और इसके बाद वन जीरो वन तो मैंने क्या किया बच्चे जितने भी इनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना उसको पार्ट ए में डाल दिया है और पार्ट बी में हमने इंडेक्स की शुरुआत की है लेकिन पार्ट बी में इसको नहीं पढ़ाया वन जीरो वन क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाकी इंडेक्स से जुड़ी हुई हैं तो मैंने इसका डिस्कशन जो है ना बिल्कुल लास्ट में आपका यहां वन सेक्शन ई के बाद वन का किया है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से उसको लिंक कर पाए इनको पढ़ते समय जैसे यहां पे क्योंकि इतने सारे इंडेस हैं और वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है तो मैंने क्या किया जैसे मान लो इंडेस आपको मैं सेवन पढ़ा रहा हूं तो इंडे सेवन पढ़ाते समय से जिस वर्ड की रिक्वायरमेंट है जो आगे किसी इंडे से जुड़ा हुआ है मैंने उसका शॉर्ट वहां पे प्रॉपर तरीके से आपको समझाया हुआ है ताकि किसी तरीके से आपको कंफ्यूजन ना हो और नहीं होगा मुझे विश्वास है क्योंकि बहुत ही बहुत मेहनत करके मैंने ये रिकॉर्डिंग आपके लिए की हुई है इसी तरीके से मेरे बच्चे इसका जो सेक्शन ए का पार्ट ए पार्ट भी है अब मैं आपको एक स्ट्रेटी आपको बनाना चाहता हूं जिन बच्चों ने क्लासेज बिल्कुल स्टार्टिंग से ली है या स्टार्टिंग सेलिंग है मतलब अगर आपके पास छः महीने का प्रॉपर टाइम है कम से कम तब तो आप सेक्शन ए के पार्ट ऑनवर्ड स्टडी करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑनवर्ड आपका लेकिन अगर मान लो कि क्लासेज आपने तीन महीना पहले लिया हुआ है चार महीने पहले लिया हुआ है तो मेरे बच्चे यहां पे ना बहुत ज्यादा स्टडी करना है लेकिन मार्क्स के वेटेज जो है ना वो ये और ये दोनों मिला के ट्वेंटी मार्क्स के है तो ये एडवाइजेबल है कि अगर कोर्स आपको जल्दी खत्म करना है या फटाफट खत्म करना है या टाइम कम बचा हुआ है तो आपकी स्ट्रेटजी में पार्ट बी से आप शुरुआत करें पार्ट बी में आपने क्या करना है को पढ़ना है इंडेक्स इसको पढ़ना फिर आपको सेक्शन बी के अंदर आना है सी डी इस तरीके से चलना है अगर आपको प्रॉपर टाइम है और आप बहुत आसानी से सब कुछ लेके चल सकते हैं आपके पास एनफ टाइम है तो मेरे बच्चे फिर आपको पार्ट ए से स्टार्ट करना चाहिए रीजन क्या है पार्ट बी से जब आप शुरू कर रहे हो ना तो इसका मतलब कि आपका मोटिव है पहले मार्क्स को सिक्योर करना कम टाइम के अंदर में लेकिन अगर आपको एन ऑफ टाइम है आप प्रॉपर तरीके से टाइम डिवोर्ड कर सकते हैं आपने आठ दस महीने या दोनों ग्रुप एक साथ तैयारी करने का आपने प्लान किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा पार्ट ए से शुरू करें क्योंकि वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा का पूरा आप स्टडी करेंगे इससे फायदा क्या होगा कि जब किसी कंपनी में आप जॉब के लिए जाएंगे जी या किसी प्लेसमेंट में आप बैठेंगे तो वहां पे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है और आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना चाहिए एक चीज और ऐसे तो मैंने यहां से ऑनवर्ड भी जो रिकॉर्डिंग किया है ना उसमें मैंने इस पर कुछ फोकस नहीं किया मतलब इससे कोई लिंक नहीं किया है लेकिन अगर कोई बच्चा पहले पार्ट ए यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रॉपर तरीके से पढ़ लेता है फिर वो आगे बढ़ता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि जो चीजें डेस में पढ़ना वो एस में भी वही है चेंजेस क्या है चीज कैसे चल रही है वो भी आपको समझ में आएगा तो मेरा पार्ट ए पढ़ने का मैंने स्ट्रेटजी बता दिया कि टाइम कम है अगर आपको लगता है या फिर आपने बहुत लेट से क्लासेस शुरू किए हैं तो उस केस में या फिर आपका मेन मोटिव मार्क्स को सिक्योर करना पहले है तो पार्ट बी ऑनवर्ड आप शुरू करें जब ये कोर्स खत्म हो जाए तो फिर आपने क्या करना है पार्ट ए की शुरुआत करनी है लेकिन पार्ट ए एंड करना ही करना मेरे बच्चे अगर आपका टारगेट हंड्रेड मार्क्स का है तो क्योंकि 20 मार्क्स यहां पे कवर होगा प्लस किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जाते हो या अपना प्रैक्टिस शुरू करते हो या फिर मान लो कि आप कोई खुद की कंपनी बड़ा क्रिएट करते हो तो वहां पे आपको एस का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है तो आपको यहां पे पढ़ना तो पड़ेगा ही बाकी स्ट्रेटजी आप बनाए कैसे करना है इसके बाद हमने क्या किया सेक्शन बी अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग एक्चुअली आपके इंस्टीट्यूट ने यहां पे दो बातें बताई है एक तो इंडेक्स 103 थ्री का एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो मैंने बहुत प्यारे तरीके से इसको भी खत्म किया है फिर आपको इसको भी खत्म किया है मर्जर क्या होता है एक्विजिशन क्या होता है सारी बातें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से यहां डिस्कशन किया है उसका थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो सब कुछ मैंने कवर किया सब कुछ मतलब इसको पढ़ने के बाद आपको अपने इंस्टीट्यूट के किसी बुक को एम टी किसी और स्टडी मटेरियल को किसी और स्कैनर को देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मैं ये दावे के साथ कहता हूँ अगर पूरा बुक आपने खत्म कर लिया पूरे वीडियो क्लास को खत्म कर ली उसके बाद एग्जाम देने गए और एक नंबर भी अगर आपका छूटा तो जिम्मेदारी मेरी होगी मैं आपको इसको आज रिटर्न गारंटी देता हूं ये वर्ड्स के थ्रू फिर सेक्शन सी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके इंस्टीट्यूट ने हंड्रेड टेन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट वन जीरो फाइव वन 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 एंड वन वन टू का डिस्कशन किया है सेम डिस्कशन मैंने भी यहां पे किया है हाँ मैंने चेंज क्या किया है जी उनकी थ्योरी को थोड़ा और अच्छी तरीके से बना दिया है ताकि आपको इजली वहाँ समझ में आए उसको आप तरीके से रीड कर पाए उसको याद कर पाए और प्रैक्टिकल जितने सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिए हैं उनको वहां तक उस लेवल तक पहुंचने के लिए और कौन कौन से क्वेश्चन आपको करना चाहिए उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया पांच तरीके के वहां पे क्वेश्चन बन सकते हैं वो पांच कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और आपका एंड कॉन्सेप्ट हमेशा रहने के लिए किन किन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सब मैंने कवर किया मतलब एग्जामिनर उससे दूर आप कुछ सोच ही नहीं सकता इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सेक्शन डी में उन्होंने डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अदर आइटम ऑफ रिपोर्टिंग उन्होंने तय किया है जिसमें कि तीन नोट उन्होंने बनाए हैं नोट एंड बनाया में इंडे वन वन थ्री का पूरा डिस्कशन मैंने किया With practical questions, even though उन्होंने practical questions नहीं दिया है, फिर भी मैंने बनाया कि ताकि कुछ अगर मान लो में आ गया तो बच्चा कैसे करेगा वो भी उन्हें बताया आपका एस आर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट क्या होता है सी एस आर टी बी एल आई आर बी आर आर इन सबके बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन मैंने किया है और इनको एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको बुक के अंदर दिया हुआ है मेरे बच्चे

ट्वेंटी मार्क्स का वेटेज आपको सॉरी uh, यहां दिया हुआ है, है बट बहुत सिंपल सिंपल है और फिफ्टीन मार्क्स का गवर्नमेंट अकाउंटिंग के अंदर में उन्होंने वेटेज दिया है तो ये अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यहां सेक्शन बी में मुझे एक्जेक्टली exactly याद नहीं आ रहा बट शायद मैक्सिमम टू मैक्सिमम फोर्टीन लेक्चर्स हैं 14 लेक्चर्स ऑफ 2.5 आप मान लीजिए मतलब इतने में 20 मार्क्स आपके आ गए यहाँ भी आपका इसके अंदर में लगभग 15 लेक्चर्स होंगे 15 16 मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है इनटू 2.5 यानी कि 35 40 घंटे में हमने इसको पूरा खत्म किया हुआ है इसके अंदर में भी हमारे पास यहाँ पे लगभग 17 के करीब लेक्चर फिर एग्जैक्टली exactly याद नहीं है और ये एंड टू पॉइंट फाइव के मुताबिक आपका यहाँ पे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है उसी तरीके से यहाँ पे आपका सिक्स टू सेवन लेक्चर्स है लेकिन बच्चे इसके अंदर में लेक्चर्स की नंबर बहुत ज्यादा यहाँ तो आपको अगर इसमें देखा जाए तो मैं कैसे याद करूं बट कम से कम मैंने यहां पे थर्टी फाइव टू फोर्टी ज़्यादा ही होंगे इसलिए कह रहा हूं कि आपकी स्ट्रेटजी पढ़ने के टाइम पे चाहो तो इसको सबसे लास्ट में स्टडी करो और अगर टाइम ता, प्रॉपर तरीके से आपके पास है तो पेशेंस वाइज आप यहीं से शुरू कीजिए आपको अच्छा लगेगा ठीक है ना इसके बाद हमारा यहाँ पे मैंने बता दिया कि अल्टीमेटली मैंने क्या किया जी मेरी बुक के अंदर में एक तो कंप्लीट जो आपका आईसीएमआई का स्टडी मटेरियल है उसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल को मैंने कवर किया है प्रैक्टिकल के मतलब सिर्फ वही नहीं कि जो उनके अंदर है उनके लिए जो भी बन सकते हैं थ्योरी को भी समझाने के लिए मैंने प्रैक्टिकल बेस लिया बच्चे आप देखेंगे बहुत मजा आएगा और मैंने कोशिश की है कि बुक में ना के बराबर मिस्टेक हो बट ह्यूमन बींग से थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो सकती है बट फिर भी ना के बराबर होगी अगर होगी भी तो फिर मैंने ट्राई किया है टू एक्सप्लेन ऑल इंडियस विध ऑल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड द केस स्टडीज आप देखेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं ये एक्सक्लूसिवली फॉर सी फाइनल है इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कि यह सिर्फ सीएमए फाइनल के लिए ही है मेरे बच्चे मैंने सीए फाइनल की रिकॉर्डिंग का लॉन्चिंग जो डेट रखा हुआ है वो 2021 में रखा हुआ है मतलब आपको ये इंश्योर हो जाए इवन दो मैं चाहूं तो जो रिकॉर्डिंग यहां पे उनका 80 85 परसेंट वहां पे कट पेस कर सकता था या उनका यहां पे कर सकता था लेकिन इस बात को पूरा फुल डेडिकेशन दिखाने के लिए कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ आपके लिए किया है सीएमए फाइनल के लिए सीए फाइनल का जो सी है उसका लॉन्चिंग डेट मैंने 2021 में रखा है 2021 में ऑनवर्ड जो जो बच्चे मेरे हैं हैं या जो वेट कर रहे कि फाइनल का लॉन्च करें वो अगले साल आपको दिखेगा Completely आपके material, आपके स्टडी मटेरियल केस के बेस पे एक चीज और बता दोनों में, बच्चे एक छोटा सा है। actually, छोटा नहीं, बहुत बड़ा सा देखो ना तो क्या किया प्रैक्टिकल पे किया हुआ है। बी, सी के अंदर में आपका ज्यादा फोकस क्या होगा उनका प्रैक्टिकल लेकिन आईसीआई का स्टडी प्रैक्टिकल थ्योरी का तो हमें को भी हमें पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए भी, वो भी अपने इंस्टीट्यूट के मुताबिक होना चाहिए होंगी कुछ पे बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन किया है हमारे आईसीएमआई ने और कुछ इंडेक्स पे बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन किया आपका आईसीआई ने चिंता न करो आपको वही चीजें आपको दे रहा हूं जो आपके लिए रेलिवेंट है ठीक है ना तो ये मैंने आपको बस विश्वास दिलाने के लिए मैंने काम किया कि हम इसको अगले साल आपका लॉन्च करेंगे इस बार नहीं जितने भी इंपोर्टेंट पास क्वेश्चन है आपका एम टी पी आर के भी स्टडी मेटेरियल से जो अच्छे क्वेश्चन है जो उनके एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आए जो हमारे पास आ सकते हैं हमारे आईसीएमआई में जो स्टडी मटेरियल में अच्छे क्वेश्चन है कोई और भी आपका अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसके अच्छे क्वेश्चन है उनको भी मैंने कवर किया है एलोंग विथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए जो जो चीजों के रिक्वायरमेंट है पहले मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ फिर मैं वहां तक पहुंचा देखेंगे क्लास में अच्छा लगेगा एट लास्ट एक रिवीजन कैप्सूल भी मैंने आपको एंड में दिया हुआ है जिस रिवीजन कैप्सूल में आप क्या करेंगे प्रॉपर तरीके से इनका एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे एग्जाम के टाइम पे फटाफट उसको कैसे रिवीजन करना है मतलब हमारे पास अगर एक दिन का टाइम है पूरे बुक का आपका रिवीजन करना किस तरीके से किया जाएगा वो भी मैंने आपके लिए दिया है ताकि आपको मजा आए एटलीस्ट पढ़ने के लिए और नो डाउट कि क्लास को पूरी कोशिश की है बच्चे कि आपको किसी तरीके से बोरिंग फील ना हो आप क्लास को बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय करें और आप सोए नहीं मैंने इसका भर पूरा कोशिश किया हुआ है बहुत मेहनत लगता है जब मैं एक स्टूडियो के अंदर हूं और आपको मतलब कोशिश करता हूं जगाने का तो जो बच्चे ऑलरेडी पूरे ऑल ओवर इंडिया या इंडिया से बाहर स्टडी कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैं क्लास में आपको सोने नहीं देता मैंने सी में भी आपको सोने नहीं देने की कसम खाई हुई है आप उसको स्टडी करेंगे आपके दिमाग में चीजें कैसे बैठाएंगे क्या बैठना है वो सब मैंने प्लान प्रॉपर तरीके से करके रिकॉर्डिंग किया हुआ है कंप्लीट स्टूडियो रिकॉर्डिंग है मतलब यहाँ पे जो सुनसान सा स्टूडियो है ना जहाँ पे मैं चिल्लाते रहता हूँ चिल्लाते रहता हूँ ये यह सिर्फ यही बात को ध्यान में रखते हुए कि ये सामने ये जो कैमरा है ना यही मेरा बच्चा है और इसी को फोकस करते हुए आपको फोकस करते हुए आपको आपकी आंखों में आंखें मिलाकर मैंने इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग की है तो आपको ये नहीं फील होगा कि मैं मैं किसी और बच्चे को पढ़ा रहा हूं। मैं आपको ही पढ़ा रहा रहा आपको ही मैसेज करते हैं तो कोई फायदा नहीं होता आप इस बात को जानते हैं इसका रीजन एक था मतलब अगर आप पहले मैसेज करो ना और फिर मैं उसको फोर टू सेवन में रिप्लाई कर दूं ऐसा पॉसिबल था लेकिन पता मैंने क्यों नहीं किया अगर ऐसा होता तो, तो कुछ भी दिमाग में आएगा कभी भी आप डाल दोगे फोर टू सेवन तीन घंटे अगर मैं आपके लिए बैठा हूं एक्सक्लूसिव आपके लिए बैठा हूं तो आपको उसी टाइम पे डाउट लेकर आना चाहिए अगर आप सच्ची सीरियस हैं अपनी स्टडी के लिए तो और आप पढ़ें हमारा टारगेट हंड्रेड मार्क्स का सी एफ के अंदर में लेकिन विदाउट एनी टेंशन हम कभी मार्क्स के बारे में नहीं सोचेंगे हमें कितने मार्क्स लाना है हमें मतलब इतना अच्छा नॉलेज गेन कर लेना ना कि दुनिया में कोई भी हो कोई भी हो बस मैं हूं मैं हूं और सिर्फ मैं हूं मैं किसी को अपने से आगे नहीं बढ़ने दूंगा नॉलेज हो चाहे कुछ भी हो कहीं कहीं पे जहां पे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है वो फॉर्मेट भी मैंने आपके लिए दिए हुए जहां पे आपको प्रॉपर तरीके से पता चले कि कैसे काम होगा मतलब आप इसको स्टडी करने के बाद एक कंप्लीट सीएफआर के बच्चे बोले जाएंगे मस्त तरीके से ठीक है ना चलिए इनकेस कोई और डाउट होता है कोई और दिक्कत होती है तो आप कमेंट में बोल के आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरी टीम या मैं खुद उसको रिप्लाई करूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है ना टोटल कितनी क्लासेज है कितने आर्स है लगभग मैंने बता दिया बट वो आपको जब वीडियो क्लास जाएगा तो मैंने प्रॉपर तरीके से उसमें सब कुछ आपको दिया हुआ है आप वहां पर देख सकते हैं आप सबको बाय बाय बच्चों पढ़ें आगे बढ़ें आप बढ़ेंगे आगे इंडिया बढ़ेगा आगे इंडिया अगर आगे बढ़ेगा तो कोई देश हमारी आंख हमारे देश को आंख नहीं दिखा सकता हमें डेवलप्ड होना है हमें आगे बढ़ना है और इस सबकी जिम्मेदारी सिर्फ पॉलिटिशियन के ऊपर नहीं है यह हमारे ऊपर जिम्मेदारी है हम बढ़े हमारा देश बढ़ेगा और फिर दुनिया में हम आगे निकल के आएंगे और याद रखना इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर आप में से किसी बच्चे का सपना सिर्फ जॉब तक लिमिट रह गया तो फिर पढ़ने पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है अगर आपका पहला स्टेज जॉब भी होता है तो फिर हमें अल्टीमेटली बिजनेस पे ही जाना है हमें वो क्वालिटी वो thinking, वो थिंकिंग स्किल जो एक बिजनेस करने के लिए चाहिए उसको डेवलप करेंगे हम आगे बढ़ेंगे और फिर बड़ा बिजनेस बड़ा बिजनेस बड़ा बिजनेस और वो जो रिलायंस विप्रो पता नहीं कौन कौन से नाम है ना उन नाम से भी हम आगे निकलेंगे ये हमारा सपना रहेगा आप सबको बाय बाय टाटा इसके बारे में मैंने आपके सी में भी कई जगह डिस्कशन किया हुआ है कई स्ट्रेटजी को क्या क्वालिटीज होने चाहिए वो भी मैंने आपका डिस्कशन किया है क्योंकि अब आप मेच्योर्ड आप बच्चे हो रहे हैं आपको इन सब चीजों को पता होना चाहिए बाय बाय बच्चों थैंक यू थैंक यू जी थैंक यू